हेलो मित्रों मैं हूँ सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको वेलेंटाइन डे की डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूँ आज वैलेंटाइन डे था कॉलेज के छुट्टी के मौके पर मैं और मेरी गर्लफ्रेंड अनुष्का लंबे ड्राइव पर निकले थे हम दिल्ली से काफ़ी दूर के हिल स्टेशन पर जा रहे थे रास्ते में हमने ढेर सारी सेल्फीज़ ली और मस्ती की रात को हम उस हिल स्टेशन के रिसोर्ट में रुके वहाँ रोमांटिक सेटअप था और हम बड़े एक्साइटेड थे हमने ढेर सारी तस्वीरें ली और डिनर किया 11 बजे के करीब जब सब लोग सोने चले गए तो मैं और अनुष्का बाहर गए और खुले में टहलने लगे रात बहुत खूबसूरत थी चांद चमक रहा था और हवा में प्यार भरा माहौल था कुछ देर बाद हम लौटने लगे तो अचानक अनुष्का रुक गई उसने एक पुराने होटल की ओर इशारा किया जो बीच के जंगल में था और बोली वो देखो पुराना और भयानक लग रहा है मैंने हड़बड़ा कर कहा हाँ यार काफी डरावना लग रहा है चलो वहां जाकर देखते हैं हम लोग उस पुराने होटल के पास गए वह काफी खराब हालत में था खिड़कियां टूटी हुई थी दीवारों से प्लास्टर उतर रहा था और भीतर घुसने के लिए एक दरवाजा खुला हुआ था चलो अंदर चलकर देखते हैं अनुष्का ने कहा मुझे तो बिल्कुल मन नहीं था लेकिन उसकी बात माननी पड़ी हम अंदर दाखिल हुए तो काफी अंधेरा था हमारे मोबाइल की रोशनी में कुछ नजर नहीं आ रहा था अचानक अनुष्का चिल्लाई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया मैंने देखा कि उसे किसी चीज ने डरा दिया है मैं हैरान होकर बोला क्या हुआ वह कोने की ओर इशारा करते हुए बोली वहा वहा देखो मैंने देखा कि एक कुर्सी पर एक महिला बैठी थी जिसका चेहरा काला सा दिखाई दे रहा था वो हल्की सी क्रीपी स्माइल कर रही थी मुझे इतना जोर का झटका लगा कि मैं होश खो बैठा अनुष्का ने मुझे हिलाया तो मैं होश में आया और हम दोनों भागते हुए वह वहाँ से बाहर निकले अनुष्का डर से कांपती हुई बोली ये कौन कौन थी मेरे होठों से कोई शब्द नहीं निकल रहा था हम वापस अपने होटल के कमरे में दौड़े धीरे धीरे हमारा डर कम हुआ अनुष्का ने कहा शायद वो कोई इंसान नहीं था शायद वो कोई चुड़ैल मैंने उसे शांत किया और सोने के लिए कहा लेकिन रात भर हम डरे हुए थे और नींद नहीं आई सुबह होते ही हम तुरंत वहां से चले गए मुझे आज भी वो काले चेहरे वाली महिला याद है जो शायद उस होटल के किसी कमरे में आज भी आत्मा के रूप में भटक रही है वह वैलेंटाइन डे हमारे लिए हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गया